तो गाइस आज हम बताने वाले हैं ऐसी तगड़ी ऐसी इंटरनेशनल टेक्निक जिससे आपकी वोकल आपके ड्रम्स ऐसे उछलेंगे और मिक्स से बाहर आ जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस टेक्निक के लिए सबसे पहले अपनी वोकल्स को सुनते हैं और सोलो करते हैं और देखते हैं कैसी लग रही है अभी वोकल्स। तो रिवर्ब्स बंद कर देते हैं इस वोकल के एंड जितनी भी हमने कंप्रेशन करी है वो भी बंद कर देते हैं। क्यों तू सोचता दुनिया है बस एक नंगा। तो गाइस आप देखोगे भी इन वोकल्स में स्पेशली जहां पे ओए 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 तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पार्ट पे और इस पार्ट पे आप जरा ध्यान से गौर फरमाइए। क्यों तू सोचता दुनिया है बस तो बस वॉल्यूम का डिप आ रहा है। अब इस डिप को बचाने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, हम लोग अपने कंप्रेशन को ऑन कर देते हैं। तो एक बार कंप्रेशन देखते हैं ऑन करके। क्यों तू सोचता दुनिया है बस। और एक बार इसको बीट के साथ भी सुनकर देख लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो अब अगर आप देखोगे अभी तो अच्छा लग रहा है बट अगर हम बीट के साथ सुनेंगे तो कहीं ना कहीं अभी भी वो वर्ड्स क्यों तू सोचता दुनिया है बस एक नंगा बाजार अगेन लाइक पॉप आउट नहीं कर रहा है। हाँ, अभी भी आ रहे हैं वो आखिरी वाले वर्ड्स बट कहीं ना कहीं अभी भी मिसिंग लग रहे हैं। तो इस टेक्निक के लिए हम लोग यूज करेंगे एक काफी इंटरनेशनल विदेशी, क्या है टेक्निक का नाम? टेक्निक का नाम है न्यूयॉर्क कंप्रेशन। न्यूयॉर्क कंप्रेशन में एक्सेंट भी आना चाहिए तभी वो काम करती है। अगर आप न्यूयॉर्क नहीं बोलोगे तो काम नहीं करेगी। तो अब जल्दी से रिटर्न ट्रैक बना लेते हैं। तो रिटर्न ट्रैक बनाने के लिए इस खाली जगह पे क्लिक करें, रिटर्न ट्रैक बनाएं और अभी क्या करते हैं जल्दी से टाइम बचाने के लिए दो रिटर्न ट्रैक्स बनाते हैं और दो क्यों बना रहे हैं वो आगे बताएंगे। तो इसको नाम दे देते हैं वोकल्स एंड इसको नाम देते हैं। तो अब वोकल्स और ड्रम्स आपको पता चल ही गया कि दूसरा ड्रम्स के लिए होने वाला है। तो अब जल्दी से क्या करते हैं वोकल का कंप्रेशन ये ग्लू वाला कंप्रेशन अभी कॉपी करते हैं और अपनी वोकल्स पे डाल देते हैं एंड थ्रेशोल्ड कर देते हैं एकदम नीचे, अटैक भी कर देते हैं एकदम से नीचे और रिलीज क्या करना है वो भी कम कर दें। तो गाइस बेसिकली पैरेलल कंप्रेशन या न्यूयॉर्क कंप्रेशन का मतलब क्या है कि जब भी आप अपने वोकल्स पे कंप्रेशन अप्लाई करते हो तो आपका जनरली फोकस क्या रहता है जो आपके लाउड पार्ट्स उनको स्क्वीज करना चाहते हो। बट पैरेलल कंप्रेशन में हम क्या करते हैं कि आपके जो वोकल्स हैं जो थोड़े बहुत कंप्रेस हो रखे हैं उनके एक डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं और उसको एक अलग से एक ऑडियो ट्रैक में भेजते हैं। उस ऑडियो ट्रैक के ऊपर हम फिर से कंप्रेशन अप्लाई करते हैं और उसको पैरेलली हमारे मेन ट्रैक के साथ ब्लेंड कर दिया जाता है। और अब जैसे आप देख सकते हो हमने बहुत हार्ड कंप्रेशन करा है और अब इसको हम यूज कैसे करते हैं बेसिकली आपको आना पड़ेगा यहाँ पे और आप देख सकते हो जो सी वाला हमारा रिटर्न ट्रैक है विच इज वोकल्स उसको हम यहाँ पे फुल्ली इधर भेज देते हैं और एक बार सुन के देखते हैं कैसा लग रहा है। दुनिया है बस एक नंगा बाजार हर जिस्म। तो गाइस अब जैसे देखोगे हम जैसे सी वाला यहाँ पे इस तरीके से हमने फुल करा तो बेसिकली क्या हो रहा है ये जो तार है ये कनेक्टेड है आपके वोकल्स वाली तार से। तो तार का मतलब क्या, अगर आपने एफएल में देखा होगा या अभी आप एबल्टन में देख रहे हो तो आप देखोगे वोकल्स जो है उसकी कॉपी जा रही है हमारे सी वाले ट्रैक पे इस टाइम। तो अब यहाँ पे हमने फुल कॉपी भेज दी है और अब यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं उसकी वॉल्यूम कि हमें कितना ब्लेंड इन चाहिए इस वोकल के अंदर अपने कंप्रेशन का। तो एक बार सुन के देखते हैं। दुनिया है बस तो आप देख सकते हैं बहुत लाउड हो गया है बट हमें ये सोलो करके नहीं करना है बिल्कुल भी। तो हम पूरा गाना ऑन कर देंगे। दुनिया है बस एक नंगा बाजार जिसको नोच कर खुद मौत से करेगा सौदा तू यहाँ। तो अगर आपने ध्यान से सुना वोकल जो है हल्की सी और पॉप आउट कर गई, इस केस में थोड़ी वॉल्यूम भी बढ़ रही है बट वो जो आपकी वोकल है अब एक तरफ वो कंप्रेस इतनी ज्यादा नहीं हो रही और दूसरी तरफ से हम ब्लेंड भेज रहे हैं ज्यादा कंप्रेस वोकल का। तो ओवरऑल आपको डायनामिक रेंज है वो थोड़ी कम तो हो रही है बट आपको और शाइन आउट वोकल मिलेगी। तो गाइस जैसे कि अभी हमने बताया पैरेलल कंप्रेशन का मेन फोकस होता है कि जो क्वाइटर पार्ट्स हैं उसको उठा के लाउड करना रादर देन लाउड पार्ट को स्क्वीज करना। तो ग्लू कंप्रेसर को कॉपी करते हैं और डी पे भी ग्लू कर देते हैं इसको जरा। और अब क्या करते हैं ड्रम्स का जो हमारा ग्रुप है तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे बीट के अंदर और हमारे ड्रम्स सोलो करते हैं एक बारी सुन के देखते हैं। अब ये जो ड्रम्स है ना ये ऑलरेडी काफी हार्ड है तो इस वाले पार्ट के सुनते हैं। तो जो ये वाला पार्ट है ड्रम्स का इसको और ज्यादा हार्ड बनाने के लिए हमने डी पे एक पूरी फुल कॉपी भेज दी। अगेन जो ये तार है कनेक्ट हो चुकी है हमारे डी वाले ट्रैक से और यहाँ से हम वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं कि हमें कितना कंप्रेस करना है ड्रम्स। और अब इस नॉब की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं हम लोग ब्लेंड बनाएंगे कि हमें कितना पैरेलल कंप्रेशन या न्यूयॉर्क कंप्रेशन चाहिए अपने ड्रम्स पे। बहुत लाउड हो गए ड्रम्स, अगेन सोलो नहीं करेंगे पूरा गाना खोल के फिर हम कंप्रेशन करेंगे। एक बारी समझने के लिए ड्रम्स को सोलो करते हैं।
स्नेयर में सुनाई दे रहा है और हाई हैट। तो आप देखोगे स्नेयर की जो टेल है वो अब काफी लंबी आ रही है और ओवरऑल गाने में सुनते हैं। और अब एक बारी हमारे गाने को सुनते हैं वोकल्स और ड्रम्स के कंप्रेशन के बिना और फिर उसके साथ, तो एक बारी ऑफ कर देते हैं इसको, तो एक बार सुनते हैं। और अब सुनते हैं विद हमारे पैरेलल कंप्रेशन ऑन वोकल्स और ड्रम्स। वाओ, बट अगर ऐसी टेक्निक मेरे को और सीखनी हो तो मैं कहाँ सीख सकता हूँ? ऐसी टेक्निक सीखनी है, ऐसी टेक्निक सीखने के लिए आपको जाना है बेसिला की वेबसाइट पे, और बेसिला की वेबसाइट पे आपको मिलेगा हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स, जहाँ पे ऐसी नहीं बल्कि और ही बहुत सारी टेक्निक सीख सकते हो। जल्दी से जाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।